शैतान सांप की शक्ल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे काबील के पास आया कि अपने भाई हाबील को उसके सर पर पत्थर मारकर कत्ल कर दो। तो काबील ने हाबील के सर पर पत्थर मारकर उसको कत्ल कर दिया। जब कत्ल कर दिया तो दफनाने का तरीका नहीं जानता था। उसने देखा कि मेरे भाई का जिस्म बेजान हो चुका, ना हिलता है, ना बोलता है, ना कुछ खाता है। तो एक साल तक अपने भाई की लाश को अपने कंधों पर उठाकर फिरता रहा। फिर अल्लाह पाक ने दो कव्वे भेजे, एक कव्वे ने दूसरे कव्वे को मारकर उसे दफन कर दिया। तो फिर काबील कहने लगा, हाय अफसोस, मैं इस कव्वे से भी बेअकल निकला जो अपने भाई को दफन ना कर सका। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत तक कोई भी कत्ल ना हक किया जाएगा तो उसका गुनाह आदम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे काबील के नामे आमाल में लिखा जाएगा।